नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक विधि में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रोटी का रोल। अगर आपके बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको रोटी से ये नाश्ता बना करके दीजिए, यकीन मानिए उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, दो तीन हरी मिर्च और दो मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक कट करके। इसे दो मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसको दो मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। तो देखिए प्याज पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें उबला हुआ आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इसको इस तरह से दबा दबा करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। तो लीजिए हमारी स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। अब इसको निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बड़ा सा कटोरा लेंगे और इसमें डालेंगे दो बड़ा चम्मच बेसन, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे रोटी। तो मैं यहाँ पर ताज़ी रोटी ले रही हूँ। अगर आपके पास बचा हुआ रोटी है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे एक चम्मच टमेटो केचप। आप अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो टमेटो केचप डालिएगा। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो कोई भी आप अपने पसंद के हिसाब से चटनी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे दो से तीन चम्मच जो हमने चटनी बना करके रखे थे वो। इसको बढ़िया से चारों तरफ फैलाएंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से चटनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चारों तरफ से बढ़िया से फैला लेंगे। अब इसको रोल करेंगे। तो इसको बढ़िया से इस तरह से रोल करेंगे। तो देखिए हमने इसको रोल कर लिए हैं। तो सभी रोटी को इसी तरह से रोल करके रख लेंगे। तो देखिए हमने रोटी का रोल बना करके रख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से फ्राई करते हैं। तो गैस पर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो तेल गर्म हो गया है। अब एक रोल लेंगे और इसमें बढ़िया से बेसन का घोल लगाएंगे। तो इसको चारों तरफ से बढ़िया से घोल लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसको तेल में डाल देंगे और गैस का लो मीडियम कर देंगे। तेल में जितना आए उतना ही डालिएगा। डालने के दो मिनट बाद इसको दूसरे साइड पलटा देंगे। इसे उलटाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से पका लेंगे। तो देखिए ये बढ़िया से पक गया है। इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसको निकाल लेंगे और बाकी के सारे रोल इसी तरह से बना करके रख लेंगे। तो देखिए हमारा रोल बनकर तैयार है। तो देखिए ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। कोई देख करके बता सकता है कि हम बचे हुए रोटी से रोल बना करके तैयार किए हैं। जितना ये देखने में बढ़िया लग रहा है उससे भी ज़्यादा खाने में ये स्वादिष्ट लगता है। अगर आपके बच्चे रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको ये बना करके दीजिए, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों आज का रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी भी एक बार इस तरह से रोटी का रोल बना करके ज़रूर खाना। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।